उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल आज जो है बिजली विभाग का पुतला दहन कर रहा है। दरअसल जितनी भी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की मीटिंग हम लोगों ने करी है व्यापारियों के साथ में, उन सभी मीटिंगों में एक ही मुद्दा सबसे ज़्यादा छाया रहा, वो था कि विद्युत विभाग अपनी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। कनेक्शन करवाने के नाम से लेकर के मीटर को बदलने की जबरदस्ती का दबाव, मीटर में जबरदस्ती की छेड़खानी करके या छेड़खानी दिखा करके अवैध वसूली की मांग, विद्युत विभाग की जितनी भी अनियमितताएँ हैं उनको अगर गिनाना शुरू करें तो अभी एक घंटा लग जाएगा। विद्युत विभाग के अभी अधिकारियों की आपस की बातचीत का एक वीडियो वायरल ऑडियो वायरल भी किया गया है। इसके बाद भी किसी भी अधिकारी ने ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, ना ही उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की राहत दी है। अभी लगातार विद्युत विभाग के मीटरों की जो है जो रीडिंग होती है वो बिना लिए रीडिंग और विद्युत बिल बढ़ा करके भेजे जा रहे हैं और उनको सुधारने के नाम पे इतना पैसा मांगा जा रहा है कि उपभोक्ता देने में असमर्थ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले लगभग 8 महीने से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे या व्यापार चौपट है पूरी तरह से। इसके बाद ऐसी स्थिति में व्यापारियों को जो है विद्युत बिल बढ़ा करके दिए जा रहे हैं, उनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं और कम करने के नाम पर उनको वसूली की जा रही है। ये सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा है और आज हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि यदि उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग या ऊर्जा मंत्री इस बात को संज्ञान में लेकर के इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग ये जन आंदोलन का रूप लेंगे इसका और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमें करना होगा हम सब कुछ करेंगे, पर इनको चेताए बिना नहीं मानेंगे। इनको जागना होगा और अपनी रवैया बदलना होगा। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार जो भी होता है कनेक्शन से लेकर के मीटर को बदलने को लेकर के सब कुछ इन्हें बंद करना पड़ेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि ये सुधर जाएँ, अगर नहीं सुधरे तो इनको हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आज हम ये स्पष्ट रूप से व्यापार मंडल के बैनर के तले कह देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का यह ज्ञापन और प्रदर्शन विद्युत विभाग में ललितपुर जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेके है, जहां मीटर चेकिंग के नाम पर वसूली की जा रही है। विद्युत के दलालों द्वारा चेकिंग के स्थान पर जाके पहले मीटर में छेड़खानी कराई जाती है, फिर लाखों का बिल थमाया जाता है और उनके मुकदमा लिखने के नाम पे उनसे हजारों लाखों रुपए की लूट की जा रही है। वर्तमान में विद्युत मीटर चेकिंग के नाम पे जो टीम है वो वहाँ पे लूट मचाए हुए है और उसका एक परिणाम है कि आज सारे जनपद में आक्रोश है। जहाँ एक वर्ष पहले लोगों का बिल 1200, 1500 या 1700 आता था, आज 4000 और 5000 रुपये बिल प्रति व्यक्ति को भुगतान करना पड़ रहा है। और विद्युत विभाग की टीम अपने दलालों के साथ ही जाके लोगों की सर्वे कर रही है, चेकिंग कर रही है और नए कनेक्शन के नाम पे ऑनलाइन के बाद जो सर्वे होता है उसमें नए कनेक्शन पे नाम पे लाखों की मांग की जाती है और कम से कम 5-7 हज़ार रुपये देने के बाद ही किसी व्यक्ति को कनेक्शन करा पाना वर्तमान में संभव है। अभी वर्तमान में जीतू राजा वगैरह के भ्रष्टाचार को लेकर वीडियो जारी हुआ, जिस वीडियो में किस तरीके से उनने 95 हज़ार का बिल मात्र 5 हज़ार रुपये में निपटाया है, जो 25 हज़ार रुपये की रिश्वत रही, इसका वीडियो जनता के बीच में है। इस तरीके से वर्तमान में जनपद में जो भ्रष्टाचार चरम पर है विद्युत विभाग का, उसके लेके व्यापारियों में आम जनता में रोष है और हम सभी लोग विद्युत विभाग के भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की मांग करते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं और जनता का उत्पीड़न बंद हो, यह हमारी मांग है। ऑफिस में शराब के जाम इसलिए लगते हैं जब हराम का रुपया लाखों में गरीब मजदूर और व्यापारियों की मेहनत का पैसा लूट के ये लोग शराब पीते हैं, उसके बाद लोगों पर अत्याचार करते हैं और गुंडाई के तरीके से लोगों से वसूली करते हैं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, प्रधान संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ, निवास हमारा चौकाबाग रावतियाना में है। हमारा घरेलू बिल है, मतलब कनेक्शन है विद्युत विभाग का और हमारा आय हर महीने हम लोग विद्युत विभाग में बिल भरते थे, लेकिन एक बार उनने हमारा 88 हज़ार का बिल दिया। तब हम ऑफिस में गए तो SDO आदर्श राज यादव ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए अगर कम कराना है तो 40 हज़ार रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि रिश्वत देना है रिश्वत लेना दोनों अपराध है। लेकिन जिस प्रकार से कई लोगों का, ये लोग कई वर्षों से शोषण करते आ रहे थे, उसको हम लोगों का खुलासा करने के लिए मुझे मजबूरन इनके लिए रिश्वत देनी पड़ी, जबकि रिश्वत देना एक अपराध है। लेकिन अगर मैं रिश्वत नहीं देता तो इन लोगों का भंडाफोड़ नहीं होता। आज हमें अधिकारी लोग ये कह रहे हैं कि तुमने रिश्वत दी है तुम भी जेल जाओगे और हमारे ऊपर हाँ, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर राजीनामा करने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप इसमें राजीनामा करिए वरना तुम भी जेल जाओगे क्योंकि तुमने रिश्वत दी है। लेकिन हमने रिश्वत इसलिए दी कि इनका भंडाफोड़ हो और इनने हमारा 25 हज़ार रुपया रिश्वत लेके बाद
5000 का बोझ बिल कर दिया, और बिल करने के बाद 5000 का बिल हो गया, तब जाके मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि इस प्रकार से सरकार को चूना लगाया जा रहा है एवं गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है, और जिनका धंधा बरसों से चल रहा है और व्यापारियों के दुकानों में जा जा करके जो चेकिंग करते हैं और उनके लंबे चौड़े बिल निकालते हैं, कई व्यापारी हैं बेचारे दबे कुचले हैं, उनका शोषण हो रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जनपद ललितपुर के अंदर, इसके लिए कुछ भी हम लोगों को करना पड़े। व्यापार के दलालों, भ्रष्टाचारी दलालों को जूते मारो। इस पे जिलाधिकारी महोदय ने जांच टीम गठित कर दी है और श्री एडीएम साहब त्रिपाठी जी इसकी जांच कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो हम लोगों के साथ न्याय करेंगे और जिनने गलत किया है उन्हें दोष मिलेगा। अबे दुगाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीटर चेकिंग के नाम पर दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीटर चेकिंग के नाम पर दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। खुद के चोर दलालों में जूते मारो सालों में, खुद के चोर दलालों में जूते मारो सालों में।